हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, और आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को रोमन नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना था। और उसके बेस पे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 जो भी हम होमवर्क समझाए थे आपको होमवर्क्स में भी दिए थे किस तरह से करना था। तो अगर जो फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन में, तो आज तो आपकी यूट्यूब पे क्लास है, कल जो है जूम पे आपकी क्लास होगी, तो आप लोग वहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम कल आज हमारी ये पूरी चैप्टर्स भी हो जाएगा, आप कल आके हम डाउट कराएंगे, आफ्टर देन कुछ हम क्वेश्चंस पूछेंगे सारे स्टूडेंट्स से, ताकि हमें ये पता चले कितने स्टूडेंट्स को कहाँ तक समझ में आया। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले थे एक्सरसाइज 3.2 की। जैसा कि 3.1 आपको पता है हम लोग पूरी कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले थे एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है, 3.2 में। तो एटलीस्ट हम लोग पहले देख लेते 3.2 में करना क्या था। है बिल्कुल सेम, रोमन नंबर ही करना है, बट थोड़ा सा यहाँ पे हमें अलग अलग ये दे रखा है कि हमें इसे ऐड करके रोमन नंबर में लिखना है, मल्टीप्लाई करके। जैसे ऐड, जैसे हमें दे रखा है XXVII, और इसे दोनों को ऐड करके, और एक रोमन नंबर है उसे ऐड करके क्या आएगा, उसे हमें रोमन नंबर में ही लिखना था। ओके, तो देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे क्वेश्चंस को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आई होप कि आप लोग भी साथ साथ कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग दोनों ही हो सकता है, या तो आप लोग साथ साथ करके मैच करते जाना, अदरवाइज ये क्वेश्चन में ये था कि ऐड द फॉलोइंग नंबर रोमन न्यूमरल्स एंड राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स, यानी कि ऐड करके हमें जो आंसर आएगा ना उसी को हमें रोमन न्यूमरल्स के ही फॉर्म में लिखना था। जैसे देखो, XXVII + XIX, हम एक दो क्वेश्चंस आपके लिए कर देते हैं, बाकी आप लोग सारा क्वेश्चन होमवर्क में करोगे। LX + CL, ठीक है, इस तरह से, और है DC + CD, ठीक है। ये तीन, छः क्वेश्चन है, तीन हम आपके लिए कराते हैं, तीन और आपको करोगे। जैसे आप देखो क्या था, XXVII, मतलब 28, क्या था ये 28+, अगर ये नहीं आ रहा तो आप लोग इस तरह से पहले कर लेना, XIX यानी कि 19, और 28 और 19 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप लोग इस तरह से रफ में कर सकते हो, सिंपल डायरेक्ट नहीं, ऐसे तो ना हम लोग डायरेक्ट भी कर लेंगे, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 47, तो 47 का रोमन नंबर क्या हो, यहाँ था हमारे पास 47, ठीक है। 47 को हम लोग, ये तो हमें लिखना नहीं है, हमें आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ओनली कि रोमन नंबर पहले रफ में इस तरह से लिख लो, ऐड करो, फिर जो आंसर आएगा रोमन नंबर। तो 47 का आप लोग बताओगे सर एक्स रोमन नंबर होता है XLVII, ये था। आरसन इसी तरह से देखो, LX मीन्स क्या हुआ 60, CL, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था, और हमारे पास CL, CL मीन्स क्या हुआ 150, क्या हुआ 100, C मतलब 100 और L मतलब 50, तो 150 और 60 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 210, मतलब XXVII। आरसन में देखो कितना आसान था, DC मतलब 600 और CD मतलब 400, दोनों का ऐड करेंगे तो 1000, यानी कि M, इस तरह से हमें करना था। जैसे आगे क्वेश्चन में है, देखो LV + 3, LV मतलब क्या हुआ 55 और 3 मतलब 3, III मतलब 3, तो 55 और 3 58, तो LV III हो जाएगा बस। उसके बाद ये रखा था देखो MCCLX, MCC मतलब 1200 और LX मतलब 60, तो 1260, फिर ये रखा है LXIV, 1260 और 64, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1300 को इस तरह से ऐड करेंगे, 1264 को ऐड करेंगे तो 4 4 8 6 6 12, 1328, यही था ना MCC मतलब 1200 और LX 64, ठीक है, तो 1264, फिर था LXIV मतलब 64। हाँ, अब इसका रोमन नंबर क्या होगा, इसका रोमन नंबर क्या होगा, तो आप लोग इस तरह से लिख दोगे कि M के बाद CCC, तो देखो 13 1328, तो XXVII, कितना हम आसानी से आपको हम बता भी रखे थे, तो इस तरह से आई होप कि देखो ऐड कर लोगे आप लोग। माइनस भी इसी तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और बाकी सबको हो ही जाएगा, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग हमें करके जरूर बताना। ओके, आई होप कि देखो ये आप लोग सब कर लिए होंगे, आप लोग किस तरीके से करना था सारा आप लोग कर लिए होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 था स्टूडेंट्स,
ओके, क्वेश्चन नंबर जो टू में है, देखो हमें क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर टू जो है ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना, सोल्व एंड राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। हमें सोल्व करके इसका जो आंसर था रोमन न्यूमरल में ही लिखना है। पहले तो जैसे लिखा हुआ ट्रिपल एक्स वी आई, ट्रिपल एक्स वी आई, इसे हमें माइनस करना था, ट्रिपल एक्स वी आई को माइनस करना है डबल एक्स आई से, डबल एक्स डबल एक्स डबल आई से माइनस करना है, डबल आई से। अब माइनस करके जो आंसर आएगा लिखे, देखो ट्रिपल एक्स वी मतलब ट्रिपल एक्स 36, इसे माइनस करना था 22 से, माइनस करके आंसर क्या आ रहा है। आप लोग ये सारा जो नंबर है ना लिखा हुआ, ये रफ में करोगे आंसर, यहाँ पे डायरेक्ट क्योंकि लिखना है नंबर है तो हम बता रहे हैं आपको, पहले इस तरह से लिख लो फिर माइनस करोगे। 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, 14, तो 14 का एक्स आई वी ये लिख देंगे। आर एस आर में देखो कितना आसान था चीज़ों को करना, कितना आसान था चीज़ें आसानी से समझ के हम लोग कर देते। बी में था एक्स सी वी माइनस, उसे हम लोग को माइनस करना था एक्स एल वी आई से, एक्स एल वी आई से। अब माइनस करके जो आंसर आएगा हमें इस तरह से लिखना था। अब एक्स सी वी मतलब क्या होता है बच्चों, एक्स सी मतलब 90, अब 5 देखो 95, ये 46, 95 में से 46 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 15 में से 6 जाएगा, देखो 95 में से तो 5 में से 6 जाएगा 9, और उसके बाद 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 6 15 में से 6 गया ना, यहाँ पे 8 था, 8 में से 4 गया 49, डैट मीन्स एक्स एल आई एक्स, एक्स एल आई एक्स। इसी तरह से करना था, इसी तरह से करना था, जैसे हम और तो ये हो जाएगा, हम एक ई वाला बता देते थोड़ा जैसे बड़ा है, देखो एम सी डी को माइनस करना था किससे, एम सी डी अब ये नहीं समझ लेना, ट्रिपल सी डबल एक्स डबल आई से माइनस करना था, एम सी डी को माइनस करना था ट्रिपल सी डबल एक्स डबल आई से। एम सी डी मतलब, एम मतलब 1000, सी डी मतलब 400, ठीक है, और उसे माइनस करना था 322 से, तो माइनस करो, देखो ट्रिपल सी डबल एक्स आई गई है ना, 1400 को माइनस करो 322 से, क्या आंसर आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 2 जाएगा 7, 3 में से 3 जाएगा 0, 1078, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 1078 को, m मतलब 1000 और 78 का l डबल x v ट्रिपल i। ताहिर के देखो इस तरह से क्वेश्चन क्या करना है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको तो ये कर लोगे, उसके बाद जो है हमारा 3.2 में इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें रिवीजन एक्सरसाइज है, तो ये भी आप लोग को साथ साथ करना है। रिवीजन एक्सरसाइज में जैसे क्या है, रोमन नंबर में लिखा हुआ है आपको नंबर में लिख के बताना है, रोमन नंबर में जैसे एक्स एल वी तो क्या हुआ, एक्स एल 45 का वी, ट्रिपल सी 300, सी एम एक्स आई आई, सी एम कितना होता है 900 का, एक्स आई आई 12 का, तो 912 इस तरह से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर टू में है, हमें बताना है इसका 80 है उसका रोमन नंबर में कल के लिखना है, सब आसान है आप लोग आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है स्टूडेंट्स, कंपेयर करना कि कौन बड़ा है, तो नंबर कंपेयर कैसे करोगे, पहले दोनों नंबर को इस तरह से लिख लेना, जो बड़ा उधर का साइन लगा दोगे। जैसे क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है इसी का एक्सएल एक्सएल और एक बॉक्स में है, फिर है वी एल आई आई, सॉरी एक्सएल एल आई आई आई, देखो एक्सएल मतलब 40, एल आई मतलब 53, तो ये बड़ा है इधर का साइन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग रोमन नंबर में पहले चेक कर लेंगे कैसे, क्योंकि ये 40 था और ये क्या था 53, तो ये बड़ा है ना इसलिए इधर का साइन आ गया था, तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। आगे भी है देखो, जैसे सम निकालना, सम करना, डिफरेंस डिफरेंस माइनस करना, ठीक है। तो आई होप 3.2 और रिविजन एक्सरसाइज जो भी है ये दोनों आपका पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगा, पूरे अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई डाइट कोई क्वायरी आपका रह जाता है, आप लोग आराम से चीज़ों को बता सकते हो, समझेंगे, ठीक है। दोबारा जब भी डाउट क्लास आपकी होगी आप लोग आसान से समझाना और फिर हम लोग करेंगे। आप लोग को करना क्या, होमवर्क्स करना, उसके बाद होमवर्क करके आपका नेम विथ नेम लिख के और फोटो सेंड करना है, ताकि हम लोग चेक करेंगे किसकी क्या, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले थोड़ी सी इसकी डाउट्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में जो है देखो बहुत ईजी चैप्टर्स है, आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेकर के पढ़ना, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको आता ही होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको आता ही होगा, तो वहाँ से आप लोग कर लोगे। तो हम लोग जो देखो है क्वेश्चन नंबर 4.1 में हम जो है ना सीधा क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड से बताएंगे, फर्स्ट सेकेंड तो आप लोग आई होप कि सब कर लोगे,
थर्ड से हम लोग समझाना स्टार्ट करेंगे, थर्ड फोर फाइव से अगले क्लास में, ठीक है। ऐसे ही नहीं है, जूम पे क्लास लेंगे तो आप लोग को वहाँ पे भी बताएंगे, आसानी से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आज जो है आपको क्लास बहुत ही यूजफुल रहा होगा और आप लोग चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से किए होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पर सुरक्षित रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।